नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव है जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक खासियत है मीरापुर, यहां पर भी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। जयंत चौधरी ने प्रत्याशी उतारा है मिथिलेश पाल को, पूर्व विधायक हैं, सिंबल होगा लोकदल का, प्रत्याशी ये बीजेपी की हैं। इस समय हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरौली गाँव में, जाटों से बातचीत करेंगे। सभी जाट समाज के लोग हैं, क्या है इनके मन में, कैसे देखते हैं इस निर्णय को जो जयंत चौधरी ने लिया है? चौधरी साहब नाम बताइए। नाम बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, चुनाव आ गया, 13 नवंबर को वोटिंग है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं सभी, मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है लोकदल ने, अच्छा, कैसे देख रहे हैं इसे? हम तो नान को जाएंगे भाई। हाँ जी हाँ, हर साल ही जाते हैं या इस बार? हर साल ही जा। अच्छा, नहीं अब के खास तौर से जाएंगे। अच्छा, क्या वजह है सी? हैं, वो कैंडिडेट बीजेपी का और टिकट लोकदल का गठबंधन है, दोनों का गठबंधन है। लोकदल वाले मर गए थे, सही बात है, था ही नहीं कोई लोकदल का आदमी। जिला अध्यक्ष मतलब मेरा का जो कई साल से लग रहा लोकदल में, अजीत राठी। हाँ, वो भी लाइन में थे अजीत राठी। क्यों नहीं दिया अजीत राठी को? संदीप मलिक भी मांग रहे थे, संदीप मलिक मांग रहा था, रमनागर भी थी। तो भाई क्यों, कुछ जो लोग चाह सारे टिकट रमनागर लोग मांग रही थी, यशिका चौहान भी थी। तो मतलब मेरा कहना है 2 साल की तो बात थी, अब के जाट को दे देते और आगे किसी को दे देते थे। नाराज है इस निर्णय से? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। तो किसको जिता रहे हैं? जिता रहे क्या, हम तो ओटी नहीं गिरने गए, हम तो नान को जाएंगे, अपने गंगा स्नान करकाऊंगा। मतलब जोश खत्म हो गया? हाँ खत्म, बिजली भाग रही। हाँ बिल्कुल, बिजली भागी भागी तो पड़ी। जयंत चौधरी ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा, हाँ? तो सोचा होगा जयंत चौधरी ने, तो जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया भाई वो गेट दियो आगे। अच्छा ये बताइए, पहले भी विधायक रही है मिथिलेश, तो पहली नाराजगी है या प्रत्याशी को लेकर नाराजगी? अब का नाराजगी, पहले नहीं थी, पहले तो वोट दी। तो मिथिलेश से नाराज है या पार्टी से? पार्टी से ही नाराज, उससे नाराज है। हम तो क्यों दिया बीजेपी वालों को टिकट? अच्छा, इससे नाराजगी है? इससे नाराजगी, लोकदल वालों को देते, किसी को भी देते, तब खुश थे? तो जब खुश थे हम, रामनिवास पाल मांग रहे थे, किसी को भी देते हैं लोकदल वालों को, किसी देते उसे ही वोट मिलती। रमानगर को भी देते आपके? रमानगर को भी देते, मतलब मेरा कहना का, वैसे तो मतलब मेरा कहना भाई, इसे चौहान को, क्या नाम इसका, चंदन चौहान, चंदन चौहान को पहला वोट दी। और मतलब मेरा कहना फिर गुज्जरों को कोई सैनी नहीं था, कोई यहाँ थी जाट नहीं था, कोई धीवर नहीं था, नुकसान नुकसान करा अपना, नुकसान करा, हालांकि हार होगी। हाँ बिल्कुल हार हो। जयंत आएंगे मनाने तब भी नहीं मानेंगे? जयंत नहीं, अब नहीं मनती, कैंडिडेट बदल तो मन जाएगी, अब तो समय ही नहीं कैंडिडेट बदलने का। हाँ तो अब नहीं मनती बात, अब नहीं मनती। हाँ बिल्कुल नाराज, पक्का नाराज, नाराज की है बिल्कुल, पक्की पक्की नाराज की। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। चौधरी साहब, टिकट तो फाइनल हो गए, मिथिलेश हैं सामने, राणा परिवार की बहू है साइकिल की तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से जाहिद हुसैन रोड गली वाले, किधर जा रहा है चुनाव? जहाँ हमारे बड़े जा रहे हैं वहीं जाएंगे। नाराज है पक्का भाई? बड़े बैठे ये बोल लिए, अब जहाँ इन्होंने कह दिया ये तो कह रहे हैं कि टिकट गलत दिया, बस जो इन्होंने का निर्णय वही हुआ बस। जैन तो ये कह रहे हैं कि नल चलेगा और कमल खिलेगा, चलो वो देखेंगे आगे देखी जाएगी। हाँ जी, नलके की तो डोलची छूट गई, डोलची छूट गई, नलके की डोलची छूट गई जी, खत्म हो गया काम। अच्छा, टिकट से नाराजगी है? हाँ जी, बहुत ज्यादा वो है नाराजगी। जैन तो खुश लग रहे हैं टिकट देके? अजी बीजेपी बेकार सरकार है, बेकार सरकार है जी। अभी समिति के चुनाव हो गए, वोट 11 बक्से में 12, कहाँ से आ गई? ये तो झूठे आदमी जी, ना इन पर गन्ने का समाधान हो रहा ना कुछ हो रहा, ये तो लोगों को बहका फुसला रहे। तो जयंत भी चले गए, हमको तो छवि नजर आ रही थी चार्ट से पार कर मोदी के अंदर। अजी अकेला छवि, अकेले आदमी की कोई सुनने को तैयार नहीं, ज्यादा बुरा हाल हो रहा। अच्छा, अगर मिथिलेश में जाएंगे तो किधर जाएंगे? जाट
अजी जाट कहीं नहीं जाना का, अपने घर रहेगा। बहुत नाराजगी इलाके में पता कर लियो चाहे इस निर्णय से। जी विद्रोह हो गया बिल्कुल ज्यादा जी। कोई तो जीतेगा, किसमें दम लग रहा है? अगर मिथिले सारे की तो कोई तो जीतेगा। अजी साइकिल साहब जागी यहाँ से, साइकिल सुमुल राणा। हाँ राणा परिवार की बहू देख लिया जी। हाँ जी जिता रहे हैं। हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ क्या लग रहा है भाई? यहाँ से तो कादिर राणा का परिवार जीतेगा। अच्छा क्या वजह लग रही है इसकी? भाई जाट तो चले जाएंगे सब नान में, और जो नाराज है बेचारे अपने घर में बैठे रहेंगे। अच्छा तो नाराज है वो वोट नहीं डालेंगे, वो वोट डालने जाने के ही नहीं। गंगा स्नान का भी नुकसान, बाकी गंगा नहीं स्नान में चले जाएंगे। 15,000 से 20,000 के समथिंग पब्लिक वहीं मिलेगी गंगा स्नान में। तो हार जीत का जो वोटर है वो गंगा स्नान करेगा, वो गंगा स्नान में वो परवी का मजा लेगा। पर भी वही लुटेगी, कमल भी वही खिलाऊंगे। पर भी लुटगी वही वही लुटगी। अच्छा ध्यान ही दिया इस पे गंगा स्नान पे दोनों? गंगा स्नान पे चुनाव अगर ध्यान देता या टिकट अगर सही आदमी को दे देता अपना लोक दल के कोई, तो गंगा स्नान वाले पब्लिक भी वोट डालने यही आती फिर दोबारा। अच्छा प्रत्याशी का चयन है उस पे उंगली उठा रहे हैं आप? उस पे बिल्कुल उंगली, यही बीजेपी का प्रत्याशी है। बड़ी देर कर दी मेहरबान, बड़ा सोच समझ के टिकट दिया, आखिरी दिन दिया, बिल्कुल किसी को मौका ही नहीं दिया। किसी को विरोध विरोध करने का मौका किसी को दिया ही नहीं, ना हम पब्लिक को दिया ना अपने जो उनसे जुड़े हुए लोग थे ना उन्हें दिया। चाय पी किसी के साथ में और टिकट किसी और को दे दिया इन्होंने, तो जाटों को लोक दल ने सोच लिया, तो बस जय बोलो जाओ हमारे पीछे खड़े हो गए और कुछ ना करो। ये तो जय बोलने के लिए रख लिया अब जाट इन्होंने, बस पार्टी तो जाटों की है जी। जाटों की पार्टी होती तो जाट अजीत रट्टी 20-25 साल से सेवा कर रहा पार्टी की, उसे टिकट ना मिलता। देख रहे किसे? पार्टी के मालिक मुखिया तो जाट ही है। जाट रहे जाट तो उसका तो दुष्यंत चौटाला, बीजेपी वाले तो जयंत चौधरी का दुष्यंत चौटाला वाला हाल करेंगे, जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का हुआ। अच्छा, यही हाल इसका होना जयंत का, दुष्यंत चौटाला बनेंगे बिल्कुल 100% के 100%। जब्त होगी उनकी सभी सीटों पे, किसकी? जयंत मतलब दुष्यंत चौटाला की, तो ऐसे ही इसकी हो जाएगी कुछ दिनों में, मतलब भविष्य खराब है। 2027 के चुनाव में होगी भविष्य खराब। अच्छा मतलब बीजेपी छोड़ देगी जयंत को, किसी लायक नहीं छोड़ने की जयंत को। शुरुआत हो गई उसकी, शुरुआत उल्टी गिनती शुरू बिल्कुल। ये बीजेपी के दबाव में ही तो बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया, नहीं तो कह देता कि बीजेपी वाला अपना खुद लड़ा लो कैंडिडेट। प्रत्याशी भी उन्हीं का और पार्टी निशान भी उन्हीं का, निशान भी नहीं आज दबाव में आगे चल साहब, बिल्कुल दबाव में झुक गए 100 के 100% झुक गए। तो निराश है बिल्कुल, बहुत बड़ी नाराजगी खासकर जाटों में, बहुत बड़ी नाराजगी इस टिकट को लेकर। चुनाव नजदीक आएगा, प्रचार होगा, लोग आएंगे, मान जाएंगे? हमें तो लगता नहीं कि कोई जाट इसके साथ प्रचार में भी निकलेगा। घर बैठ गए सभी, सब घर बैठे। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सब नाराज लग रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जाटों की पार्टी बुलाया था लोकदल को और बीजेपी का साथ है, नल चलेगा और कमल खिलेगा। यो तो मिथिलेश तो पहले भी लोकदल में थे, फिर बीजेपी चली गई हो, कहाँ सपा में थी हो तो दल बदलू, फिर भाजपा में थी, अब भाजपा में जा ली थी, अब जब फिर लोकदल में आ गई। लोकदल के इतने पुराने कैंडिडेट थे, उन्हें टिकट दिया नहीं, इससे तो पुराने कैंडिडेट है लोकदल में, बहुत पुराने 22 साल के। वो ये कह रहे थे कि समीकरण नहीं बैठ रहा था, ये चर्चा है कि समीकरण मिथिलेश का नहीं, राजपाल सैनी को कह देता, राजपाल सैनी के लड्डू बटे, अजीत राठी के लड्डू बटे, थे वे भी पर यहाँ सैनियों में लहर तो आ गई थी। राजपाल ठीक रहते इनसे? इससे ठीक रहता। अच्छा राजपाल से खुश थे? नहीं राजपाल से खुश थे पर भाई हम तो चाहते लोकदल के आदमी को टिकट मिलना चाहिए था, जब लोकदल का आदमी था, जब उसमें सैनी होता, जब उसमें जाट होता, जब उसमें धीवर होता, कोई भी होता। अच्छा नाराजगी जाति को लेकर नहीं है, पार्टी को लेकर है? पार्टी को लेकर है। अपना निशान क्यों दिया? हाँ ये है भाई, अपना आदमी होना चाहिए था लोकदल का, लोकदल का कोई भी लोकदल का कार्यकर्ता, कार्यकर्ता या कोई भी राज्य किसी भी जाति का, किसी भी जाति का, मतलब जाति मैटर नहीं कर रही है। प्रत्याशी गलत चुन लिया, गलत चुन लिया, मतलब बीजेपी का क्यों चुना? बीजेपी इससे नाराज है? नहीं इससे नाराज है। अच्छा यदि गंगा स्नान का मुद्दा है क्या? हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, नुकसान हो रहा है बहुत मोटा, पास में तो है वापस नहीं आ सकते। अजी नहीं आने का, कोई नहीं आने का, कहने लगा क्या अब इतना रिस्क नहीं लेने का इलेक्शन में। अच्छा रुचि नहीं रही चुनाव में, दिलचस्पी नहीं रहने की, खत्म हो गई, बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों हिंदू तो सब जागे भाई,
गंगा स्नान पे जाएंगे सब। हाँ तो नान ने गान फेर दिया, नान ने गान फेर दिया, नुकसान हो गया बिल्कुल। लड़के की छुटकी डोलती बिल्कुल छुट गई। हरिंदर सिंह चौधरी साहब ये बताइए, मिथिलेश को उतार दिया चौधरी साहब ने, भाई मैं भाजपा का कट्टर समर्थक हूँ, वोट दूंगा नलके को। उसे नलके कह रहा साइकिल को, साइकिल का आदमी। इस अभी सरकार ने सब खत्म कर दिया, बालक नौकरी भी खत्म कर दी। नु बताओ हमारे गांव में कोई एक लंबा हुआ समर्थक भाजपा के? पक्का था, अब तो अब नहीं हूँ थे, अब भाग गया। अब हूँ साइकिल का, ओर्डिनल नलको को देने का चाह रहा हूँ। कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, ये वाले कहते हैं कि बीजे दंगा कराया सपा ने। सपा ने अजी, सपा वाले भी ऐसे है, ये भी ऐसे ही तो एक बोसे रे भाई। किधर जाओगे फिर? साइकिल, साइकिल पे जाओगे? बिल्कुल पक्का, आके देख लो नहान में से भी आके करूंगा वोट, नहान में जरूर जाऊंगा। क्या कमी होगी मिथिलेश में? अजी कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, भाजपा लोक दल की सीटर दे रहे भाजपा को, कोई नहीं हमारे गांव में कोई वोट नहीं मिलने। पहले लोक दल में थी, घर वापसी हो गई। अजी दल बदलू है नेता, भागी दियो भटक के आ गई ना, भटकना कुछ नहीं होता। अब वो समझ आ लिया, टोलची छूट गई। किसको मिलना चाहिए था टिकट? टिकट टिकट मिलना चाहिए अजीत, अजीत राठी टिकट उसी का था, असली असली। क्या खूबी थी अजीत राठी में? आदमी बढ़िया, 20 साल से काम कर रहा पार्टी में, बताओ 25 साल हो लिए। अच्छा इसलिए निराश है? बस देख मैं तो साइकिल को दूंगा वोट, राणा परिवार की बहू बिल्कुल पक्का दूंगा। अगर आप भी गए तो स्वागत भी करूंगा उनका, बल्कि इनका करना था नहीं। अच्छा उन्हीं को जिता रहे हैं? मैं तो जिता रहा, सुबह ही 8 बजे जीत जाएंगे और बाकी जितने कैंडिडेट है सुबह 7 बजे हार जाएंगे। जैसे जी कह रहे हैं अब तो जाट ही है सारे जी, सीरिंग नहीं किया है। प्रत्याशी अगर कोई और होता? और होता सारे एक एक जगह जाते हैं, प्रत्याशी से नाराजगी होगी। प्रत्याशी बीजेपी का प्रत्याशी है? हाँ तो वो सोच के तो दिया चौधरी साहब ने? नहीं वो तो चौधरी साहब से आए तो है, चौधरी साहब इसी इलाके में जब आने के लिए तो फिर होता है। चौधरी साहब आए नहीं ना, किसी को कहा सुना इलाके में तो फिर अपने प्रत्याशी को दिल्ली तो दिल्ली बुलाओ जाओ, यहाँ क्या हो रहा दिल्ली बैठे ना कुछ हो रहा है भाई। एक दो जगह मुजफ्फरनगर जिला है, कतौनी है, मीरापुर आता तो कुछ वो तो है, किसे राय में बुरा कुछ नुकसान हो गया, नुकसान हो किसको जिताएंगे? बस जहाँ सब कह रहे उसे ही दे देंगे, बस साइकिल पे बबरा। आपने काफी चुनाव देखे हैं, हाँ इस बार मिथिलेश प्रताप खेला है। अरे मिथिलेश को तो हमने पहले करवाई थी भाई, या नहीं भाई? मिथिलेश को तो पहले करवाई थी, हाँ या नहीं भाई? अब तो भाई मन खटिया लगता है इस पार्टी से ही, बोल लो भाई लोकदल से। हाँ जी साथ में भाजपा भी है ना जी, कौन दो भाई और अगर जयंतेंगे और लोकदल के नेता आएंगे मनाने तब भी नहीं मानेंगे? अब जा रहे हैं, अब कहाँ लग रहे हैं भाई? है भाई अरे पहले तो अपने अपने से पूछ रहे हैं, नहीं अब तो प्रत्याशी हो गया, अब तो वोट के लिए आएंगे मनाने। अब क्या मानने का? हम अपनी मानने का। किधर जाएंगे? हम तो वही जाएंगे, जाट जीतती हो बस राणा पे जाएंगे। हम तो राणा पे जाएंगे। नाराज चौधरी साहब मिथिलेश को उतार दिया चौधरी साहब ने, जयंत ने, किधर जाएंगे? सीधा सवाल भाई, हम नहीं देना के वोट, इसे नहीं देना का वोट। मिथिलेश से नाराजगी है या पार्टी से? अब तो पार्टी से भी होगी, जब मिथिलेश को टिकट दिया, टिकट गलत दे दिया, गलत दे दिया तो सोच के तो दिया होगा चौधरी साहब ने। नहीं भाई कुछ ही सोचता, अरे ये जो इतने आदमी बैठे हैं इनका भी तो कुछ सोचता है, इनका भी तो कुछ सोचता। आखिर में दाव खेला है, बड़ा इंतजार किया, तो फिर बता क्या करें भाई। हम यहाँ से टिकट अजीत राठी का चाह रहे थे, उनका चर्चा भी था, अजीत राठी चर्चा भी था, उनका नाम चल रहा था अजीत राठी या राजपाल सैनी। 25-30 साल से सेवा कर रहा पार्टी की अजीत राठी, तो बताओ। और वो बेचारा कहीं भी नहीं, उसे पूछा पूछा भी नहीं। चर्चा ये है कि उनका अकाउंट भी चेक किया गया दिल्ली बुला के, कुछ कितने पैसे बुक रेडी के चौधरी बता रहे थे इस बात के। हाँ कुछ ही हो भाई, और आगे भाई महाराज यो मुखिया यो बैठा। तो विकल्प क्या है अगर मिथिलेश नहीं तो किधर जाएंगे? जाट किधर जा रहे हैं, किसका रुख करेंगे अब? साइकिल पे जाएंगे, सभी साइकिल पे। हाँ या मान जाएंगे आखिर में? नहीं मानना का, मानेंगे नहीं, नहीं मानना का, मान ले रहे। जाट जिद्दी हो, जाट जिद्दी कौम हो, यो नहीं भूलती।
यो विवाद भी बहुत बुरी हो, यो ना बोलते तो मान नहीं रहे, नहीं मान रहे भाई। साइकिल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे परिवार। हाँ मनीष कुमार जी, मनीष आप युवा हैं, मिथिलेश से आ गई हैं। हाँ जी, जयंत और बीजेपी की तरफ से। हाँ जी, वही राणा परिवार की बहू है साइकिल की तरफ से। हाँ जी, जाहिद है रुड़कली वाले आजाद समाज पार्टी की तरफ से। हाँ जी, किधर जा रहे हैं इस बार जाट सीधा साहब जी? कुछ आदमी वोट नहीं देने के जी, पर जैसे इन्होंने चौधरी साहब ने सारे वहाँ बुलाए, उनका मान सम्मान भी रखा, जब भी भारी प्रत्याशी तारा, भारी प्रत्याशी का विरोध था, भारी प्रत्याशी फिर क्यों तारा इन्होंने चौधरी साहब ने? उन्हें बुलाने का फायदा क्या हुआ? उन्हें 8-9 दिन से उनका तेल फुकवा रहे, उनका समीकरण करवा रहे, वे बेचारे कार्यकर्ता रैली कर रहे, उनका क्या फायदा हुआ जी? आप स्थानीय को उतारो जी, किसी को भी उतारो, तो विरोध है। हाँ जी, नहीं भारी का, भारी का तो भारी क्यों उतार रहे जी? यहाँ का उतारो ना, स्थानीय का नहीं है। हाँ जी, मुझे फना करके क्यों है? वहाँ की है तो साइड की हो, यहाँ पे तो नहीं आज तक दिखी जी मिथिलेश। हाँ जी मिथिलेश पाल, बोर्ड कहीं बोर्ड की बात छोड़ो जी, कहीं आज तक रैली में दिखी हो, कहीं कहीं काम करा हो या कहीं गई है हो। हाँ यहाँ पे रही जी, यहाँ पे दो फिर हमने वोट भी करी है जी, एक फिर निर्वाल के सामने लड़ी है, एक फिर गठबंधन से बीजेपी के साथ लड़ी है जी, एक बार विधायक भी। हाँ जी हाँ जी, बीजेपी की गठबंधन से, वो भी उपचुनाव था जी, वो भी उपचुनाव था, वो भी 2 साल के लिए बनी थी मिथिलेश पाल। हाँ जी, किधर जाएंगे लोक दल तो किधर जाएंगे? नहीं जी, कुछ कैंडिडेट जब भी अच्छा तारना देने, वोट इन्हें सोच समझ के देने थी, इन्हें हाँ जी नाराज ही लोग ज्यादातर, तो किधर जाएंगे वोट तो डालेंगे? हाँ जी जी, वोट देंगे जी, जरूर देंगे। तो किधर जाएंगे? आजाद समाज पार्टी को देंगे जी। आजाद का लग रहा है? हाँ जी आजाद को देंगे जी, चंद्रशेखर रावण को देंगे जी। चंद्रशेखर रावण? हाँ जी, मतलब रास्ता नजर नहीं आ रहा? हाँ जी रास्ता नजर नहीं आ रहा जी, वो लोग साइकिल बोल रहे हैं आप आजाद समाज पार्टी, मतलब निराशा है, निराश हो गए? हाँ जी निराश है जाट। हाँ जी, मेरा नाम शुभम कुमार है जी। शुभम, चुनाव आ गया, सीधा सवाल है, किधर जा रहे हैं जाट? भाई जाट तो चौधरी साहब गए थे, पर चौधरी साहब ने बिगाड़ दिया जी, अब तो किधर को रुक करना ही पड़ेगा जी। क्या वजह रही? वजह तो यही रही जी, जब इनकी इनका सिंबल है, ये कह रहे थे कि भाई हमारा कैंडिडेट आओगे, कैंडिडेट फिर भी इन्होंने बाहर का तार दिया बीजेपी का। हाँ जी, पहले लोकदल में ही रही है? लोकदल में रही है, लोकदल में तो छोड़ के चली गई थी ना, जब आफत आई थी, और जो सेवा कर रहे पार्टी की उनका कुछ नहीं है। ऐसे तो चंदन भी थे, लेकिन अब साथ में है वो? नहीं, चंदन भी सपा से आए थे, साथ में तो है, पर अजीत राठी जी का क्या होगा जो 2013 में भी इस पार्टी की सेवा कर रहे थे है जी, और जब जयंत पर लट्ठी चार्ज हुआ था यही लटकाने में थे, तो सब भूल गए। हाँ जी, चौधरी साहब सब भूल गए जी। सोचा होगा चौधरी साहब ने, समीकरण देखा होगा, समीकरण कुछ नहीं सोचा जी, मिथिलेश के कुछ नहीं सोचा जी, चौधरी साहब पे दबाव है जी। हाँ जी, झुक गए? हाँ जी, तो चार तो पार भी नहीं बोल रहे। हाँ जी अच्छा, हाँ 400 पार का भी गन्ने का भी था, तो गन्ने भी नहीं बोल रहे। हाँ जी, चुप हो गए जी, चुप, हाँ साइलेंट हो गए जी, वे 400 पार गन्ना कह रहे थे, वे सीटें तो हुई। हाँ जी, अब ये जब उन्होंने गाड़ा बढ़ाना रैली में, हाँ जी इस बार सीटें 400 पार, गन्ना 400 पार, नहीं सीटें के बाद तो रह गई ना? नहीं जी सर जी, सीटें के बाद में भी उन्होंने तो कहा था 400 पार करेंगे हम गन्ना, तो 400 पार पे बोल ही नहीं रहे, कोई से नहीं बोल रहा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहते थे 400 पार करेंगे, तो वो जुमला था क्या? जुमला ही है जी इनका। अच्छा, हाँ जी गन्ने का 400 पार हो ही नहीं रहा जी। वर्करी नहीं करने पाने जी इसकी, मिथिलेश पाल की हम अपने घर बैठ जाएंगे जी, कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है। हाँ लोग दल के जी, अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया जी, बीजेपी वाले लड़वाएंगे बस। हाँ जी, मनोज जी मिथिलेश को उतार दिया, लोक दल भाजपा प्रत्याशी, कैसे देख रहे हैं? ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया लिया निर्णय, हम तो उधर जाएंगे पक्का, ये लोग तो नाराज कुछ नहीं लगा। हाँ सही ले लिया, बढ़िया लिया, जो पार्टी ने ले लिया सही है अपना, और क्या है, अब तो कुछ बदलाव भी हो सकता है इसमें, क्या वो जो जब कोई समय नहीं है, सही बात, ऐसी बदल दें समय नहीं, नहीं नहीं बदल रहा, तो आखिरी डेट हो कल, तो जीत रही मिथिलेश या क्योंकि काफी बड़ा पर्व है, ये पूरी सही बात, और वो 15 तारीख का है गंगा स्नान, 15 को चुनाव है और लोग चले जाते हैं 4-5 दिन पहले, आने से बात, तो आधी संख्या तो वहीं चली गई, ठीक उसका भी फर्क पड़ा जी, और भी लोग नाराज हैं, ये चलते रहे, नाराजगी चलते रहे,
ये थे ककरौली के जाट, इनका साफ कहना है कि जो निर्णय लिया है जयंत चौधरी ने उसे निराश है। कोई प्रत्याशी लोकदल का होना चाहिए था, चाहे वो किसी भी बिरादरी का था, तो ये साथ थे, लेकिन ये जो निर्णय है ये चौंकाने वाला है और ये निराश है। और गंगा स्नान का भी एक फैक्टर है और इस चुनाव में मिथिलेश पाल की जो डगर है फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रही है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नमस्कार।